हो यूसुफ मिस्र कोई, कोई क्यों हो तुम्हारा क्या क्या है ज्यादा कौन होना तुम्हारा रब कौन है खुदा एक है, है। दो, दो नहीं मैं <Você glow> <saduses> कौन हूँ खूफे की लड़की खूबसूरत हूँ ज्यादा नहीं मेरा शोहर कौन होगा एक, एक अफसानवी शहजादा मेरा दर्द क्या, क्या है? है तन्हाई, तन्हाई। मेरी आरजू क्या, क्या है, है। दो पर के ओर सको कहाँ तक काबे तक बस्ते तक क्यूँ ताकि अस्कर के सवार को, को देख सको अस्कर अस्कर कौन वाला अस्करा और उसकी, उसकी सवार आयशा नहीं समझी तू नहीं, नहीं समझी काश, काश मैं खुद तो आयशा होती मीर उलमोमिन का दर्द दिल है तुम्हारे नाम इस क्याम में दो ही सूरत मुमकिन है या मैं सितमगर हूं या मुझ पर सितम हुआ है या मैं ना फरमान हूं या मेरे फरमान को पामाल किया गया है जिसको भी ये तहरीर मिले वो खुदा को न भूले और मेरे पास चला है। अगर सिरात मुस्तकीम पर हूं तो मेरी मदद करे वरना मदद से हाथ उठा ले मुझसे मुंह मोड़ ले अली ने। रबजा में भी तुम कूफियों का इंतजार करते रहे लेकिन तुम ना आए अब जीकार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं का पर काबा की आवाज पर लब्बा नहीं कहोगे अमौर अशरी ने फतवा दिया है कि माविया के साथ जंग मुबाह और आयशा के साथ जंग हराम है फियों को डर इस बात का है कि आयशा के खिलाफ जंग करके अपनी आखिरत न खराब कर लें। अश अरी के फतवे पर अमल करोगे तो दुनिया और आखिरत में खसारा उठाओगे अश अरी हकीकत से दूर हो चुके हैं ये बूढ़ा आदमी मुतजल दिल सुतून की तरह है उस पर तकिया मत करो अश अरी अमीन मुफ्ती नहीं अगर दिन के उजाले में उन्हें डराया जाए तो वो रात का फतवा दे देंगे वो बंदगान के खौफ से खुदा से मुंह फेर बैठे अमर, अमार तुम हमारे वली अम्र की न करो तोहहीन क्या अश ने तुम्हें खुदा का हुक्म सुनाया है कि अगर दो गिरोह आपस में जंग के लिए आमादा हो जाए तो क्या करें अव्वल उनकी इसलाह के लिए कोशिश करो फिर जिस गिरोह ने दूसरे गिरोह के साथ जुल्म किया हो उस गिरोह के साथ जंग करो कि वो मुतीय अम्र खुदा हो जाए अपने घरों को जाओ कुरेश को उनके हाल पर छोड़ दो चली जाओ ये जंग फर्जंदनाफ की जंग है हाशिम की उमैया से जंग है इर्सो की जंग इमीरा अहले कूफा अपना खून जाए ना करो तुम उन्हें छोड़ दो के खुरेश अपने आपस का झगड़ा वो खुद हल कर ले मुदाखलत ना करो अम्मार अली हरी में रसूल खुदा और उनके असहाब के साथ क्या कर रहे हैं अली उनकी तोबा के मुंतजिर हैं तोबा करें किस न किए गए गुनाह की तोबा करें बेदिफा खलीफा की खूखाही कैसा गुना है जो तोबा करें मकतूल खलीफा की खूंखाही अली से मांगना गुना है अली ने वादा नहीं किया कि हुकूमत के जख्म और उसकी बीमारी का मदावा करके ने खलीफा को ढूंढ कर सजा देंगे क्या अबुल हसन ने खलीफा के कत्ल के मशकूक गिरोह की मदद से इनकार नहीं किया खूखाहों ने बगैर किसी उजर और बहाने के बसरे पर हमला कर दिया उस्मान इब्न दाढ़ी को नोच डाला और हकीम बिन जबला को बिला तशबी सैदु शहदा हमजा की तरह सीना चाक कर डाला इन्ना इंसाफियों इन के बावजूद जुल्फ कार अभी भी नियाम में है ए कूफा उस्मान का खून आलूद कुर्ता लेकर शोर करने वालों से ज्यादा अली रंजीद आता रहे जमल ने अली की बया तोड़कर उन्हें मजबूर किया कि वो कुएं में सर डाल तो नोच खाते नजर आएंगे इख्तलाफ का बीज बोरा है बेहसियत फसान मत करो अब्दुल्ला मरवान मेरे माँ बाप तेरे पांव पड़ते हैं भाई ये जुदाई का वक्त नहीं हमराई का वक्त है अगर तलवार ही आजमाना चाहते हो तो मेरी गर्दन हाजिर है रखो नियाम में मालिक स्त्र के घोड़े ने अगर सुन लिया तो अपनी दुम से हमारा काम तमाम कर देगा हमारे लश्करी थक चुके हैं वलीद जब उन्हें घर वालों की आएगी और ये देखेंगे कि इन तनूरों से धुआं नहीं उठ रहा है सोच पड़ जाएंगे थकन का एहसास करेंगे फिर छोड़कर चले जाएंगे जितना जल्दी हो सके काम तमाम कर देना चाहिए वाह तेरे बाप की मखफिरत हो मरवान का कहना है कि हम यहां इसलिए नहीं आए हैं कि खेमों में पड़े टांग पर टांग धरे या भी, भी गाते रहे मरवान का गुस्सा हमारी हमदर्दी में है उसके दलायल वाकई दलायल है ना हवाई वो मिलमो विनो तलहतुल खैर जंग के लिए तैयार है वहां सैफुल इस्लाम जुबैर हैं कि शक में पड़ गए उन्हें क्या खौफ हो गया है नहीं मालूम अली ने तुमसे क्या कहा है तुमने सैफुल अगर अली के पास माल होता तो अपने लिए नए नालेन खरीदते। उन्होंने तो बैतुल माल के सिक्कों से हजार कबीलों का खून खरीद लिया फटी हुई नाल तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है तुम उनकी बात